अच्छा एक बात बताइए, बचाए के रखिए, यो नहीं चोरी हो जाए। अरे गोरी तोरी चुनरी बझलक कौवा, वाह आ जान मारे लहंगाई लखनऊआ। चोरी शब्द तो हम नहीं बोलेंगे, कहे से कि हो सकता है जो गाया है उसको पता नहीं होगा, धोखे में रख के उसको। अच्छा 150 मिलियन के बाद भी पता नहीं होगा। ओके अच्छा। फोन भाई के साथ भी बात नहीं हुई क्या कि भैया देखो ऐसा हो गया मामला और क्या किया जाए बताइए, क्योंकि वो भी बहुत बड़े सुपरस्टार है भाई, तो उन्होंने कुछ तो कहा होगा। देखिए ब्याह से हमको सबसे ज्यादा डर लगता है। अरे बाबू ऐसा क्या है, कहे तो कि हम सबका स्थिति देखते हैं ब्याह के बाद। हेलो कौन? हम बोल रहे। कौन? हम बोल रहे। अरे कौन? अरे हम बोल रहे। भैया लोग नमस्कार, हर हर महादेव हो। हम है धर्म, हमरा ये लिट्टी है ना वो है बहुते गरम, और आज हम जो है ना अपने शो में लाए हैं भोजपुरी के सुपरस्टार अभिनेता रितेश पांडे साहब के। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा चकाचक। वाह वाह क्या बात है। तो गर्दा जो चकाचक जो है ना अपनी बात में होगा ही, लेकिन सबसे पहले जो हमारा नियम है इस शो का, आपको लिट्टी खाना होगा और बताना होगा कैसा बनाया है। अरे वाह गुरु एकदम मजा आ गल। हमारो एक सर था कि तू उठावा एक खे। एक हम यही में से रच के ले लेना दोनों जने यार बाहर। वाह वाह भैया, ये जो हमने के यूपी बिहार के लिट्टी हो, ये बम्बई में आप खियावत हुआ ही कम बात ना। बहुत बढ़िया। अरे भैया बहुत मेहनत से बनाया है इसमें, इसमें मसाला उसाला जो जितना हो सका। बढ़िया मजा आ गया। मजा आ गया आपको। वाह 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 भैया, बहुत बहुत बधाई भैया आपके, बहुत बहुत। ये मतलब दो आदमी बात कर रहा है, आपने गाना बना दिया। हेलो कौन, बहुत बड़ी समस्या है, कैसे आप ये गाना बना दिए? देखिए ये गाना का श्रेय हम बड़े भाई आशीष वर्मा जी को देना चाहेंगे। वाह क्या बात है। हाँ उन्होंने गाना लिखा भी है और म्यूजिक भी दिया है। और उन्होंने फोन किया कि देखा भाई एक बना के भेजला ही, देखा था कैसा ना। हम सुनी तो कहीं कि मरदवा बहुत बढ़िया लगा था, कोनो नया काम करे में रिस्क तो थोड़ा बहुत होबे करेला। हम कली कोनो नया चीज तो हो, थोड़ा रिस्क हो मगर मस्त लगता, हो सकेला पब्लिक के पसंद आई तो मजा आ जाए। और वह भर पब्लिक के तना प्यार दिले छप्पर फाड़ के कि पूछा मत। रिकॉर्ड बनाओ था कि अच्छा एक बात बताई, बचाए के रखिए, यो नहीं चोरी हो जाए। पूछा मत भैया। अरे गोरी तोरी चुनरी बझलक कौवा, वाह आ जान मारे लहंगाई लखनऊआ। अच्छा भैया ये जो है बहुत बड़ा विवादित बात आपका चल रहा है जो है, आपका गाना चुरा लिया गया है भाई, क्या कहेंगे इस पे? देखिए चोरी शब्द तो हम नहीं बोलेंगे, कहे से कि हो सकता है जो गाया है उसको पता नहीं होगा, धोखे में रख के उसको। अच्छा 150 मिलियन के बाद भी पता नहीं होगा। ओके अच्छा। नहीं ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एंड इन भोजपुरी इंडस्ट्री। तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा ठीक है, महादेव की कृपा है, चलता रहता है, राज काज है, चलेगा। हाँ। बात हुई है आपकी इस मसले पे साहब से? नहीं हमारी कोई बात नहीं। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? वैसे तो आपके ज्यादातर सारे ही गाने जो हैं वो दूसरे भी जो सिंगर हैं इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी तो है आपके लिए। देखिए इसको हम उपलब्धि में नहीं लेंगे, इसको हम एगो भोजपुरी में कहा जाला कि दिन उगे लानू, सूरज देख के पता चल जाला कि दिन कैसन हो, तो हमने की भोजपुरी खातिर गलत बात है। बहुत सारा सिचुएशन होला जो ना कि अनुसार आदमी ऐसा काम करे पर मजबूर हो जाला, होई कोनो सिचुएशन ठीक न, मगर हमारा नहीं लगत कि ठीक बात बा। तो भैया ये मामले पे आप बात नहीं किए ना? हमने कोई ऐसा ऐसा चल रहा है, आपको जानकारी थी कि नहीं थी? हमने कोई बात नहीं किया। अच्छा जब सामने वाले ने हमसे कोई बात नहीं किया तो हम काहे करेंगे?
अभी हाल ही में आपकी एक तस्वीर भी शेयर हो रही थी, आप जाके जो है पवन भैया के साथ में केक को काटे, उनका जन्मदिन उन्होंने मनाए भाई, हाँ। तो वहाँ भी कुछ बात नहीं हुई कि भैया देखो ऐसा ऐसा हो गया? पवन भाई के साथ भी बात नहीं हुई क्या कि भैया देखो ऐसा हो गया मामला, और क्या किया जाए बताइए, क्योंकि वो भी बहुत बड़े सुपरस्टार है भाई, तो उन्होंने कुछ तो कहा होगा। देखिए ये बात है कि हम वहाँ गए थे मगर हम कोनो चीज़ डिस्कस करने नहीं गए थे, उनके मतलब उनके लिए एक अहम दिन था उनका, उनको हम बधाई देने गए थे, दिल से बधाई देने गए थे कि भैया गर्दा करते रहिए, एकदम चापे रहिए हम बधाई देने गए थे, और वो माहौल में हम कुछ डिस्कस करके माहौल ख़राब नहीं करना चाहते। अच्छा, गए मिले जुले, केक काटे, केक खिलाए, केक खाए और बधाई देके चले। अच्छा, छोड़िए छोड़िए इस बात को, हैं ठीक है, कहा है कि लेकिन पवन भैया से आप जब मिले तो कुछ बात हुई, कुछ लेके उनको फिल्म उल्म आ रही है आपकी, कुछ तो बात हुई होगी ना कि यार भैया बाबू आपके साथ टाइप का तो बात हुआ। हमने के बहुत जल्दी इंडस्ट्री में सरप्राइज होके वाला बाकी हमारा पवन भैया संग फिल्म आई। अरे वहाँ एक नंबर वाली एक्सक्लूसिव न्यूज जो है, आप इंदिरा के कैमरे पे लिट्टी चोखा दे दिए भैया, बहुत इंतजार रहेगा आपका। अच्छा ये बताइए कि लगातार उपलब्धि आप हासिल करते जा रहे हैं गुरु तार, लिट्टी बहुत मस्त। अरे धन्यवाद, अच्छा भैया ये बताएं कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस लेवल पे आप पहुंच गए हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ परेशानी आ रही है, मुश्किल आ रही है, कोई छेड़ता है कैसे, क्योंकि बहुत मुश्किल का काम है? कोई परेशानी नहीं है, हमारे सभी भाई हमको बहुत प्यार करते हैं, जितने भी हमारे बड़े भाई लोग हैं, सीनियर हैं हमसे, सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं कि बाबू ऐसे करो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, एक बहुत बड़े जो तीन चार लोगों को माना जाता है उसको हम साइड में रखें, लेकिन जब रितेश पांडे की बात आती है तो अरविंद अकेला, कल्लू भी साथ में चल रहे हैं इस वक्त, प्रदीप, चिंटू भी साथ में चल रहे हैं, और भी हैं, फिलहाल आप तीन को लेकर के बात होती है, आपको लगता है कोई किसी को टक्कर दे रहा है मामले में, कोई नंबर वन है, कोई नंबर दो है, कैसे देखते हैं हम चीज़ों? देखिए गुरु, हमको किसी को टक्कर देना ही नहीं है, अगर टक्कर देंगे उसके कपार में घाव लगेगा तो हमारे में भी तो लगेगा ना, तो हम सोचते हैं कि हम किसी से टकराए ही नहीं, हम टक्कर खाए ही नहीं। आपकी परवरिश फिल्म भी जो है काफी पसंद की गई, जिसमें यश कुमार आपके साथ थे, तो जब एक फिल्म में दो हीरो होते हैं, जैसे वहां पे यश थे अब यहां साथ, तो कैसे अपने आप को एकदम बरोबर लेकर आप चलते हैं? आपको ऐसा फील होता है कि ये ज्यादा फुटेज खा जाएगा या हमको कम स्पेस मिल रहा है? भैया बोले ना आपसे कि हमारे साथ रहने वाले लोग हमारे साथ का हीरो एक बार कर सकता है, मगर हम जो हमको डायरेक्टर बोल दिए कि रितेश जी आपको ये करना है, हमको जब बहुत उसमें प्रॉब्लम नज़र आएगा, समझ में आएगा, तब जाके डायरेक्टर से डिस्कस करते हैं, और नहीं तो जो डायरेक्टर साहब बोलते हैं हम वही करते हैं। नो मगजमारी, नो मगजमारी, जितना हमारा कोई किस्मत छीन लेगा महाराज। अच्छा अब एकदम मुद्दे वाली बात पे हमसे आइए, हैं कि जहाँ भी आप जिस फिल्म में काम करते हैं उसके साथ जो भी आपकी हीरोइन होती है, को स्टार के साथ आपका नाम जुड़ जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होती है, सच में प्रेम हो जाता है क्या? नहीं महाराज, कैसी कैसी हंसी कुछ कह रही है महाराज की? ना ना, देखिए हीरोइन का नाम लिए तो हम इस बात के लिए गर्व करते हैं कि हम उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जिस इंडस्ट्री में एक से एक खूबसूरत हीरोइन है। वाह क्या बात है, ठीक है ना, और जब आप खूबसूरती का नाम लेंगे तो चेहरे पे मुस्कान आना तो लाजमी है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए मुस्कान आना भी है आप भैया, वाह क्या बात है, मुस्कान तो आना लाजमी है, इसलिए मुस्कुरा दिए, और हमको लगता है कि हम ही एगो हीरो ऐसे हैं इंडस्ट्री में जोन सब हीरोइन लोग के साथ काम, नाम नहीं, अभी एक हीरोइन के साथ आपका नाम नहीं जुड़ा है, जोड़ी वाली बात अभी तक आपके साथ एकदम नहीं है, सबके साथ हम काम करते हैं, जैसे देखिए ये फिल्म में तनुश्री जी हीरोइन है, हमने अक्षरा जी के साथ भी काम किया है, अम्रपाली जी के साथ भी, काजल जी के साथ भी काम किया, रानी के साथ, रानी जी के साथ किया है, अंजना जी के साथ किया है, गुंजन जी एक फिल्म में हमारे हीरोइन थी दरार टू में, भले वो दूसरे के अपोजिट थी मगर उस फिल्म में वो थी, और हमने सुभी शर्मा जी के साथ किया, हम काम किया है, कनक पांडे जी के साथ काम किया है। अच्छी लगती है आपको? हमको सब बहुत अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। अच्छा हम तो आपसे बोले ना कि होगी ना एक जो आपके भी दिल में बसी होगी कोई फेवरेट, भाई आपके फैन जानना चाहते हैं भाई किसे प्यार करते हैं रितेश पांडे, किस पे मरते हैं रितेश पांडे, बताइए ना किस पे मरते हैं, बताइए तो
हम नहीं मरते किसी को। आप पर कौन मरती है वो तो बता दीजिए तब। पता नहीं है हमको। अच्छा हम आपको बताते हैं, आप पर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है लड़कियों के मामले में। और कमेंट में ये भी पूछा जा रहा है कि रितेश जी क्या खूबियां आपको चाहिए आपकी होने वाली धर्मपत्नी में, क्या बताइए। अरे बाप रे बाप, ऐसा नाम ले लिया आप। ब्याह से हमको सबसे ज्यादा डर लगता है। अरे बाबू ऐसे क्या है, क्योंकि हम सबका स्थिति देखते हैं ब्याह के बाद। हमारे दो भाई हैं राजू पाड़े और रंजन पाड़े, दोनों जवान ब्याह से पहले शेर थे। अच्छा, अब ब्याह के बाद उन लोग का क्या स्थिति है हम बता देंगे, तो आप विश्वास से नहीं करें। कुछ देर बाद राजू भैया से बात करना है। बताएंगे क्या। देखिए हमारा एक्सपीरियंस ये है कि शादी, हमारा एक गाना भी आया था कि शादी के पहले शेर था सियार हो गया। एक हो जाए ना भैया एक लाइन ये वाला। कि शादी के पहले शेर था सियार हो गया, शादी के पहले शेर था सियार हो गया, शिकार करने वाला खुद शिकार हो गया। बहुत बढ़िया, गोविंद विद्यार्थी जी ने इस गाने को लिखा था, लोगों ने बहुत पसंद किया था। ये देखिए भाई साहब, हम जिंदगी में एक ही चीज से डरते हैं वो ब्याह। अच्छा, जितना दिन खींच ले जाए माई, तो माई तो जाते जाते बनारस जाए ना तो माई कहे कि कब ब्याह करब। उनका जिम में कौन और काम ना वाला, खाली ये जिम में काम बा उनका कि हम कैसे ब्याह करा देसु। दो चार गो अगुआ बड़ सन के दुआर कोड़ ले रहा तरसों, तो ऐसे और दिक्कत हो जाता। तो हम कैसे जान, जब ब्याह के बाद उठेला घरे तो हम जैसे जान छोड़ा के धीरे से खसक जाएगा। देखते हैं कि रितेश भाई कब तक शादी से जो है दूर भागते हैं, बचे रहते हैं। अच्छा, बचे रहते हैं, बचे रहते हैं, ये भी सही रहेगा भैया। तो जाते जाते जो है जो गाना इस वक्त बहुत ज्यादा सुर्खियों में, भले विवादित ही क्यों ना हुआ हो, उसी गाने के साथ हम जो है अपने लिट्टी चोखा फनी करते हैं के बहुत ये लड़किया की गली में गरदा उड़ावत चले मचे ललैकन में खलबले तमर लेनी सेंट जब हम गम कौआ की गोरी तोर, अरे गोरी तोर चुनरी बाझल कौआ, अरे गोरी तोर चुनरी बाझल कौआ, जान मारे लहंगाई लखनऊआ। वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो, हर हर महादेव, महादेव। बहुत बहुत देखी हम बनारस से, भले हमार जन्म बिहार में भइल बा मगर हितियो को रही, तो एगो पापा हमार उठा के बनारस ले रहन, सारा पढ़ाई लिखाई बनारस से भइल बा, महादेव की नगरी से, जन्म भूमि बिहार, कर्म भूमि बनारस। तो ओजा महादेव कैसे बोलल जाला, एक बार सब के हो जितना आदमी बा बोली दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पताए हर हर महादेव। तो भैया लोग आप जाइए अब अपना जो है ना काम करिए, और हमको और भैया को इजाजत दीजिए। लेकिन लेकिन जाते जाते भैया से कोनो सवाल हो ना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम कोशिश करेंगे कि आपके जवाब आप तक पहुंचा दें। बने रहे हिंदी रस के साथ, और लिट्टी चोखा खाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भोजपुरी।